एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और ढेर सारा खुश होंगे। सो गाइस, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 11:30 और जस्ट अभी मैंने अपने रूम में एंटर किया है। तो ये देखिए, आपको मेरा पूरा रूम फैला फैला दिख रहा होगा। तो हाँ गाइस, पूरा रूम पूरी तरीके से फैल गया है। क्यों? क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ मायके, मेरी सिस्टर की शादी है उसके लिए। तो उसके लिए ना अभी पैकिंग करने वाली हूँ, तो ये सारी साड़ियाँ ना मैंने अभी निकाल के रखी हुई हैं सभी फंक्शंस में पहनने के लिए। और ये देखिए, मैंने ये बॉक्स निकाल के रखा है ले जाने के लिए, क्योंकि ना बैग में उतना सामान ठीक नहीं रहता है, बॉक्स में सेफ रहता है। जैसे जो भी गोल्ड का सामान होता है, जो गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह होती है, वो सेफ रहती है और ठीक रहता है। तो बस यही सब मैं करने वाली हूँ पैकिंग। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना लेट क्यों गई हूँ, क्योंकि 11:30 ऑलरेडी हो चुके हैं और मायके भी जाना है थोड़ी बहुत देर में। तो पता है क्या हुआ कि सुबह मैं उठी, ये गई थी 5 बजे, फिर मैं उठी, फिर मैंने एक वीडियो एडिट किया 6:30 तक, वो एडिट हुआ। फिर मैंने सोचा कि उठ जाती हूँ 5 मिनट, अभी पहले 5 मिनट ना फ़ोन रख के आराम से लेट जाऊँ, फिर मैं सो गई और फिर मैं 7:30 बजे उठी। तो इसीलिए सब काम लेट 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 हो गया। और वैसे तो ना सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा हो गया है, पापा जी ऑफिस चले गए हैं, ब्रेकफास्ट हो गया है, मैं नहा ली हूँ, पूजा कर ली है, बस अभी मुझे ये पैकिंग करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ये सारी साड़ियाँ हैं जो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी मैं कौन सी कब पहनने वाली हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है। तो चलिए अभी हम लोग पैकिंग स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, मैं आपसे हाईली रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने वीडियो पे क्लिक किया है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आज आप ये वीडियो देख के चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मुझे ना नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यार डर लग रहा है कि ना कैसे मैं कर पाऊँगी इतनी सारी पैकिंग। साड़ियाँ मैंने निकाल के रखी हुई हैं, ज्वेलरी और बाकी का सारा सामान अभी मुझे निकालना भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी मैंने पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया है और जिन साड़ियों की मुझे चूड़ी लानी है और ज्वेलरी वगैरह लानी है ना, उनको मैंने अलग बैग में रखा हुआ है। छोटा सा बैग जो आप देख रहे हैं ना, इसमें रखूँगी, क्योंकि फिर जब मैं घर जाऊँगी ना तो ये वाला पूरा बैग उठा के ऐसा ही ले जाऊँगी चूड़ियों के लिए, ज्वेलरी के लिए। तो मुझे कुछ अलग से नहीं करना होगा और जो बाकी का सामान है वो मैं इस बैग में डालूँगी और थोड़ा बहुत सामान बचेगा उसको मैं इस बॉक्स में डालूँगी। और पता है क्या, मुझे ना काम करते करते सॉन्ग सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ना यहाँ पे सॉन्ग चला रखे हैं फ़ोन में। तो चलिए आप लोग भी इंजॉय कीजिए। और ये ना देखिए, मैंने अभी अपने लिए हेयर ऑयल प्रिपेयर किया है, यू कैन सी, ये देखिए। तो ये मैं लेके जाने वाली हूँ और इतना मेरे लिए 20 डेज या 1 मंथ के लिए इनफ होने वाला है। और मैं ना आपको हमेशा बताती हूँ कि आपको हेयर ऑयल को ना कई हेयर ऑयल को मिक्स करके अपने बालों पर अप्लाई करना चाहिए। सो इसमें मैंने आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड कैस्टर ऑयल 4 ऑयल मिक्स किए हैं। एंड अभी मैं इसमें विटामिन ई के कैप्सूल भी मिक्स करूँगी। तो अभी ना मैंने रख लिए, वो घर पे जाके ही कर लूँगी, जल्दी जल्दी में मैंने इतना किया है। और ये कितना अच्छा लग रहा है ना, क्यूट सा। और कोकोनट ऑयल ये देखिएगा, इतना मेल्ट नहीं हुआ है अभी। और जब मैं इसको अप्लाई करूँगी ना, तो मैं इसको डाल दूँगी ल्यूकवॉर्म वाटर में, तो ये मेल्ट हो जाएगा, फिर मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। सो कितना क्यूट लग रहा है ना।
सो गाइस, अभी मेरी पैकिंग कंप्लीट हो गई है और रूम भी देखिए आप लोग, मैंने पूरा सेट कर दिया है। अभी जो थोड़ी बहुत डर्ट वगैरह है बेड पे, अलमीरा पे, वो मैं साफ कर दूंगी। देखिए पैकिंग हो चुकी है कंप्लीट। एक ही वाला बैग और एक ही वाला बॉक्स और एक ना बहुत छोटा सा बैग और वो क्या है। तो ये देखिए रूम की हालत भी मैंने बिल्कुल ठीक कर दी है। और ये वाली साड़ी मैं पहन के जाने वाली हूँ। वैसे तो ना मैंने सोचा था कि सूट पहन जाऊंगी, लेकिन ठीक है साड़ी ही पहन जाती हूँ आज। और अभी मैं जा रही हूँ नीचे, खाऊंगी खाना क्योंकि अभी तक ना खाना नहीं खाया है और 2:30 बज गया है। सो मैं जा रही हूँ नीचे। अभी मेरा ट्राईपॉड और रिंग लाइट रखना रह गया है और सब कुछ मैंने रख लिया है और गोल्ड का सामान रखना रह गया है। और एक आध चीज़ नीचे दाके देखूंगी, याद आ जाएगी तो रख लूंगी। और यहाँ पे ऑल आउट होने हैं तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं नीचे। और ये वाली साड़ी मुझे ना मेरी मामी सास ने दी थी, जिनका हम लोगों ने गोवर्धन वाले दिन बर्थडे सेलिब्रेशन किया था ना, उन वाली मामी ने। तो अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है ना तो आप देख लीजिएगा, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो अच्छा लग रहा है ना, देखिए पूरा रूम सेट हो गया है तो अच्छा लग रहा है ना। चलिए अभी हम चलते हैं नीचे क्योंकि बहुत भूख लगी है। मैंने सुबह ना एक पराठा खाया था तो काफ़ी भूख लग रही है। तो अभी चलिए चलते हैं और खाना खाते हैं, उसके बाद फिर तैयार होंगे, फिर भाई को कॉल करेंगे, फिर वो लेने आएगा और मुझे लग रहा है ना जाते जाते शाम हो जाएगी। अभी खाना पीना हो गया है और अभी मैं आई हूँ छत पे और अभी मैं लगाऊंगी महावर। गाइस, हमारे यहाँ ना महावर बोलते हैं, कई लोगों के यहाँ आलता बोला जाता होगा, आप लोग क्या, तो आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ क्या बोला जाता है। सो मैं महावर लगा लूँगी अभी। और ना मुझसे महावर गिर गया था तो मैं वही जो गिर गया है ना वही लगा लूँगी, क्योंकि ना ऐसे कोई सुहाग की चीज़ वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है। मैं इसको पोछे से पोछ देती या फिर वाइपर से पोछ देती तो मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता है। और अभी मैं इसको अप्लाई कर लूँगी, उसके बाद मैं तैयार होंगी। और इरा को तैयार कर दिया है अभी मैंने पहले ही। गाइस इरू हो गई है रेडी। इरा कहाँ जा रही हो? नानी के घर पे। आप बहुत क्यूट लग रही हो। चलो अब हम तैयार हो जाते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ओके सो गाइस, अभी मैं हो गई हूँ तैयार। कि देखिए कैसी ये वाली साड़ी मैंने पहनी है जो कि ब्लैक कलर की है, और मैं ब्लू वाली साड़ी पहनने वाली थी। फिर क्यों नहीं पहनी वो आपको इरा बताएगी। या क्यों नहीं पहनी थी वाली साड़ी? जैसी मौसी ने पहनो इतना लूज। मौसी को लगा था कि मौसी के सोच रही थी कि भाई इरा को मैंने छत को बुला लिया था, मैंने कहा इरा आ जाओ। फिर जब मैंने पहना तो मैंने कहा ओ मर गई। इरा ने कहा क्या हो गया? मैंने कहा ये तो इतना लूज रखा है बहुत ज़्यादा, और फिटिंग करने का मुझे टाइम नहीं था तो फिर मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है। और दीदी ने ना अभी भाई को फ़ोन कर दिया है तो वो बस आने ही वाला होगा, फिर उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। एंड ये देखिए इरा हो चुकी है तैयार। ये रखे हैं मेरे बैग और ये रखा है मेरा ट्राईपॉड। एक बहुत छोटू सा बैग हो गया है, बस इतना ही सामान है और इतना ही दीदी का है, इससे ज़्यादा ही है क्योंकि हो ही जाता है यार, इतना सामान हो ही जाता है। तो अभी हम लोग चलते हैं नीचे और मैं ना ये वाला वीडियो यहाँ पे एंड कर रही हूँ। यहाँ से मैं न्यू ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। सो क्योंकि ना ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो गाइज़ अगर आपको ये वाला तो गाइज़ अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप न्यू हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना ही चाहिए क्योंकि अब आपको आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बेहतरीन ब्लॉग मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो मिलती हूँ मैं आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।